देखिए, आपका ये न्यूज़ चैनल का माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि स्पीकर साहब जो दवाई जो लेके आया है अपना मेरा बहन का बच्चे के लिए, तो इसके ज़रिए मेन मेन मतलब इंसिडेंट 18 को होता है। तो हम ऐसा मतलब बाई फोर्स नहीं किया कि मतलब हम गेट को लात मार के आया, ऐसा नहीं। तो उसमें साथ में मेरा एक पंचायत लीडर भी था जो मानेगांव का ग्राम पंचायत मेंबर। तो मैंने जो भी सेंट्री बताता कॉन्स्टेबल बार बार रिपीटेड कर रहा हूँ, उससे मैंने बहुत अपना हिसाब से मैं अप्रोच किया, बहुत बार अप्रोच किया। मतलब देखिए, आप स्पीकर साहब दवाई ज़रूर रख दिया, या फिर स्पीकर को भी कॉल कर दीजिए दवाई रखा। मैं उस दवाई का इंटेंशन से गया था यार, ना कि मतलब हम वहाँ गेट को तोड़ चार करने या लोकल एम एल ए अगर को कुछ इंटेंशन लेके या सेंट्री को इंटेंशन लेके मारपीट का कोई इंटेंशन नहीं था। तो उस वक्त जो भी हुआ मैं टेंशन में भी था, क्योंकि वो हमको सेंट्री जो आगे बढ़ने नहीं देते। ऊपर से अंदर में दो आदमी था, तो दो आदमी जो ड्राइवर था साइड, दो आदमी था, हम वहाँ तक पहुँचना चाहता था। तो उनसे पूछना चाहता था कि यहाँ स्पीकर साहब ने दवाई रखा कि नहीं। तो यही से लेके हम दोनों के बीच धक्का मुक्की जरूर हुआ। उस बीच में जो हुआ सो हुआ, हमारे अगेंस्ट में केस रजिस्टर है, आईपीसी सेक्शन लगा है। तो मुझे जो भी हमको पनिशमेंट देगा कोर्ट ने, और सेकेंडली जो स्पीकर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो अनजान लोग दो लड़का आया था, अनजान लोग था, ऐसा नहीं। मेरा गाड़ी जो है कार को हम स्पीकर का गेट के सामने ही पार्किंग करके रखा था। जब घुसते वक्त उस समय भी अंदर से लोग नहीं था सेंट्री स्पीकर का गेट जो, तो उसमें हम तेल के धीरे से तेल के आया, तो साथ में मेरा लड़का दोस्त भी था। तो स्पीकर सर देखिए, उसका प्रोग्राम 9:30 तक था, 8:15 तक मैं हुआ एंटर हुआ। तो उसके प्रोग्राम जो 9:30 तक चला भी है, तो जब हमको पुलिस ने अरेस्ट करके ले गया, तब तक 9:30 तक शायद स्पीकर सर पहुंच गया था होगा अपना प्राइवेट रेसिडेंट में। तब तक मेरा गाड़ी वहाँ ही था, मैं जहाँ गाड़ी अरेस्ट करके ले जाया गया वहाँ बैठ के चला गया अपना चाय भी लेके। कार वहाँ ही पार्किंग था, स्पीकर के तो चुप पादू था, मतलब इधर आके दवाई खालेक्ट करने आया। कोई ना कोई स्पीकर साहब को तो बैठाया होगा, कोई ना कोई तो इंफॉर्मेशन दिया होगा, या फिर आपका वहाँ किसी इंसिडेंट हुआ बोल के एसपी साहब ने तो बताया। साथ ही साथ जब हमको अरेस्ट करके ले जाया गया था, उस समय स्पीकर का खुद PSO मेरा साथ था, जब मैं पुलिस PS थाना में, तो हमारे रिश्ता में मामा जी भी लगते हैं, उन्होंने भी तो स्पीकर सर को बताया होगा। वो चाहे तो अगर 9:30 तक पहुँचाए तो कुछ ना कुछ उसको कोई ना कोई तो बैठाया होगा, आपका इधर ऐसे प्रॉब्लम हुआ है बोल के। तो ऐसे तो बात नहीं कि हम इस सोना सर से बहुत क्लोज है, और एक दूसरे से बाय बाय का सम्मान में बार बार रिपीटेड मतलब सोशल मीडिया में दे रहा। तो ऐसे बात नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से नहीं जानता हो, मैं चुका CM डिस्ट्रिक्ट जानता है हम दोनों का बीच में। उसके लिए हम एक छोटा भाई का हैसियत से हम काम करता हूँ जब भी इलेक्शन में। तो अगर स्पीकर हमको अपना भाई जैसे समझता है, तो इतना रात को हमको अत्याचार होने दिया, और सुबह का 9-10 बजे तक, 9:30 तक भी, 19 मार्च का सुबह 9:30 तक भी हम अत्याचार तोड़ चार करें, तब तक भी सर वो अगर उस दिन का रात का इंसिडेंट को लेके वो एटलीस्ट ना किसी आदमी को बेचना चाहता कि हमको आपने क्या गलत किया था। एटलीस्ट वो एक हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव है, लोकल MLA है और स्टेट का भी है, अब हम स्टेट सरकार के हॉनरेबल स्पीकर है अपला का। तो हमारे जैसे पब्लिक कुछ गलती करता भी है, तो वो लोग अवतार करना, देखभाल करना और गलत अच्छाई को जस्टिफाई करना उनके ऊपर है। उनके वहाँ रहते हुए देखिए हमको ऐसे अत्याचार किया पुलिस पर्सनल ने, ये कानून व्यवस्था जो अब अगर आप उस समय एब्सेंट होता था, लगभग आप वहाँ था प्रोग्राम में था, आपके स्टेशन में होने के बावजूद भी इस तरह का हम जैसे लोगों को पब्लिक को अत्याचार करना, ये कौन सा कानूनी।